कोई भी समय, चाहे आप दिन को खर्च कर रहे हो, घंटों को खर्च कर रहे हो, मिनट को खर्च कर रहे हो, किसी भी टाइम एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, खर्च करना है, या फिर आपको पैसों को खर्च करना है। ठीक है, या तो आप किसको खर्च करोगे, टाइम को खर्च करोगे या पैसों को खर्च करोगे। अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो उसके बाद में फिर से जीरंड का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखना, मैंने लिखा ही स्पेंट, a lot of money। उसने क्या कर दिया, बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए आईफोन खरीदने के लिए। अब देखो बीच में कोई भी फॉर वॉर का यूज नहीं किया जाएगा, सीधा आप लिखोगे बाइंग एन आईफोन। ठीक है, आया समझ? देखो ही स्पेंड आ गया आपका। ठीक है, किस चीज को खत्म कर रहे हैं हम, पैसों को। रुपीज में भी आ सकता था ये मनी, रुपीज में भी आ सकता था। तो देखो उसने खर्च कर दिए क्या, बहुत सारे पैसे किस चीज में खर्च कर दिए, बाइंग एंड आईफोन। एक आईफोन खरीदने के चक्कर में उसने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। ठीक है, और देखना, जैसे मैंने लिखा ही वेस्टेड अ होल डे try to repair his car। देखो क्या गलती हो जाएगी, try का यूज किया जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, जीरंड आएगा इसमें। और आपको पता है try के साथ तक do लगता ही है। ठीक है, try to do something, ये infinitive लग जाता है, वो चीज अलग है। लेकिन direct क्या आ रहा है यहाँ पर, try to understand, जीरंड आ रहा है। इसका क्या मतलब है, उसने एक पूरा दिन खर्च कर दिया। किस चीज में खर्च कर दिया, अपनी कार को खुद से सुधारने में। अगर वो सुधरवा देता किसी से तो सही हो जाता, लेकिन उसमें किसमें खर्च कर दिया, उसने खुद की, खुद का समय खुद से सुधारने में, मतलब कोशिश कर रहा था ना वो सुधारने की, इस कोशिश में कि वह खुद से कार को रिपेयर कर दे। ठीक है, ही वेस्टेड अ होल डे। देखो इसमें टाइम आ गया, होल डे में क्या आ गया आपका, टाइम एक्सप्रेशन आ गया, ट्राइंग टू रिपेयर हिज कार। ठीक है, अच्छा एक बना के बताओ मुझे, देखिए आपको याद है कि नहीं। एक तो मैंने लिखा ब्रेकिंग टेबल, और दूसरा मैंने लिखा ब्रोकन टेबल। कौन सा वाला सही है, ब्रोकन टेबल। अब देखो टूटती हुई टेबल तो हुआ नहीं, ठीक है, क्या हुआ, टूटी, ऑलरेडी जो पहले से क्या है, टूटी है। ये जो बताता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वर्तमान की चीज को बताता है, और ये जो बताता है जो पहले घटित हो चुकी है तो उसको ये बताता है। अब जैसे देखना, जैसे कि देखना, ये आपका फ्राइटनिंग मूवी, इसका मतलब क्या होता है, डरा देने वाली मूवी। ठीक है, जो आपको डरा दे, यानी कि डरावनी या डरा देने वाली मूवी। अब इस मूवी को देखकर हम लोग क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। ठीक है, मान के चलो कोई लड़का है, उसने फ्राइटनिंग मूवी देखी, तब वो लड़का क्या कहलाएगा, डरा हुआ लड़का कहलाएगा। तो आप उसको बोलोगे फ्राइटेंड बॉय। आप क्या बोलोगे, फ्राइटेंड बॉय, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डरा हुआ लड़का। डरा देने वाला लड़का तो हुआ नहीं, कोई वस्तु होगी जो आपको डरा रही है। ठीक है, वो आपको क्या करेगी, डरा रही है, तो आपने क्या कर दिया, कंटिन्यूटी में डरा रही है, उसको देख के वो क्या हो गया, लड़का डर गया। अब ऐसी देखो इंटरेस्टिंग होता है, आया था ना इस बार ऐसा एक्साइटेड वाला आया था, है ना। ठीक है, इंटरेस्टिंग। और एक क्या होता है इंटरेस्टिंग, ये सब थोड़ा बहुत समझने की चीज है, समझ में आ जाता है। ठीक है, देखो ये क्या होता है, रुचिकर। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल, अब इसको ऐसे समझा जाता है कि ये ना पार्टी पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इनका यूज कर दो क्योंकि ये निर्जीव है और ये सजीव है। ऐसा नहीं, थोड़ा इसको देखो समझने की कोशिश करते हैं। पर इंटरेस्टिंग है ना, होता है रुचिकर एक तो मतलब। ठीक है, और इंटरेस्ट अकेला वर्ब एक तो नाउन होता है आपका। ठीक है, इंटरेस्ट ब्याज होता है जिसका मतलब। अब जैसे मान के चलो मैच आप देखने के लिए जा रहे हो, क्रिकेट मैच, तो मैच कैसा होता है, इंटरेस्टेड हुआ कि इंटरेस्टिंग हुआ, इंटरेस्टिंग। उस मैच को देखने के लिए आप कैसे होंगे, इंटरेस्टेड होंगे पहले से, इंटरेस्टेड। तो ये क्या हो गया आपका पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये क्या हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। सेम किस में चलता है, एक्साइटिंग में और एक्साइटेड में। ठीक है, अब जैसे एक किसी ने कमेंट किया था यूट्यूब पर, मैं पढ़ा रहा था, तो उसने बोला कि यहां पर वेरी लगा हुआ है,
तो वेरी के साथ क्या आएगा, आई एन जी आएगा, मच के साथ में इड आएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है हर जगह पर हो ऐसा, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके बारे में और भी बताऊंगा मैं फास्ट पार्टिसिपल के बारे में, तो अभी आप लिखो जी एंड के बारे में, ठीक है।